आप सबके फेवरेट टीवी शो नागमणी में आज का एपिसोड क्या होने वाला है, आप सबको इसकी पूरी डिटेल्स मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दामिनी बुलबुल को ढूंढते हुए सब तरफ जा रही होगी, तभी उसके हाथ में जो यंत्र है इसके जरिए उसे पता चलेगा कि बुलबुल इस दीवार के पीछे है। अब इस दीवार के पीछे उसकी आवाज़ें आ रही होंगी। बुलबुल कह रही होगी कि माँ मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और दामिनी इस आवाज़ को सुन लेगी। दामिनी के साथ में रंभा भी होगी जो कि इस बात को कंफर्म करेगी कि बुलबुल इस दीवार के पीछे ही है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि पार्वती शिवाय को याद करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होगी, बार बार शिवाय के बारे में सोच रही होगी। साथ ही पार्वती कहती है कि अब शिवाय के जाने से हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा कि दामिनी उस दीवार के पास पहुंच जाएगी जिसके पीछे बुलबुल बंद है। वहीं रंभा और दामिनी को लगातार बुलबुल की आवाज़ें आ रही होंगी और अब वो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगी। वहीं रंभा दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ में बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है। वहीं दामिनी इस बात पर नाराज़ होती है और वो खुद दीवार अब तोड़ने की कोशिश करती है। अपनी जादुई शक्ति से वो दीवार पर ताकत लगाती है और इसके साथ ही जो दीवार है वो टूट जाती है। दीवार के टूटने के बाद में वहाँ पर दिखाई देता है कि बुलबुल इसी दीवार के पीछे है। अब बुलबुल को देख करके दामिनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ ही रंभा भी सोचती है कि बुलबुल को लेकर जो शक था, बुलबुल उसी दीवार के पीछे निकली है। बुलबुल बाहर आते ही भागने की कोशिश करती है लेकिन रंभा उसका रास्ता रोक लेती है और रंभा के सामने बुलबुल कुछ नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर दामिनी बुलबुल को रोकती है और अपनी तरफ खींच करके बोलती है कि अब वो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी और अब वो पार्वती को दिखाएगी कि उसके हाथ में अब क्या चीज़ लगी है और अब वो बुलबुल के साथ साथ पार्वती को भी मार देगी। इसके साथ ही वो बुलबुल को बंद कर देती है, एक रस्से से उसको बांध देती है और अपनी जादुई शक्ति से उसको कंट्रोल करने के साथ में बोलती है कि जैसे ही 12:15 बजेगा वो उसका दिल निकाल देगी। इसके साथ ही अष्ट धातु से बना एक खंजर जो कि नागिन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दामिनी यानी कि चुड़ैल उसको बना लेती है, अपनी जादुई शक्ति से वो हासिल कर लेती है और साथ साथ वो बुलबुल को बताती है कि किस तरीके से अब वो इस खंजर को इस्तेमाल करके पार्वती को मार देगी। साथ में वो बुलबुल को सारी बातें बताती है, 30 साल पहले जिस तरीके से बुलबुल ने दामिनी को मारा था उस बारे में सब कुछ बताती है और बुलबुल भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। ये सारी बातें सुनकर बुलबुल चिल्लाने लगती है, माँ मुझे बचा लो, और ये आवाज़ पार्वती के कानों तक चली जाती है। पार्वती सोचती है कि उसको ये आवाज़ें बार बार सुनाई आ रही है लेकिन बाद में उसको अंदाज़ा हो जाता है कि सच में ये आवाज़ आ रही है और बुलबुल जिंदा है, बुलबुल उसे बार बार पुकार रही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शिवाय का चाचा काफ़ी ज़्यादा इस बात पर भरोसा करने लगता है कि दामिनी कोई ना कोई जादू कर रही है लेकिन रंभा की माँ इस बात से परेशान होकर बात को घुमाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ शिवाय की माँ घर से जाने के लिए तैयार होने लगती है, अपना बैग पैक करने लगती है और बोलती है कि पार्वती ने उसके घर को उजाड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती भागती हुई आती है और बुलबुल के पास जाने की कोशिश करती है, ढूंढती है कि बुलबुल कहाँ से उसको लगातार आवाज़ दे रही है जो उसे आवाज़ सुनाई आ रही है, और फिर फाइनली पार्वती को ये पता चल जाता है कि बुलबुल अभी इस समय कहाँ पर है। जैसे तैसे पार्वती बुलबुल के पास तक पहुँच जाती है, उसको ढूंढती हुई और चुपके से ये बात देखती है कि बुलबुल कहाँ पर बंद है। साथ साथ वो ये भी देखती है कि रंभा और दामिनी भी वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने बुलबुल को बांध रखा है। ये सब कुछ देखने के बाद में उसको एहसास हो जाता है कि बुलबुल अभी ज़िंदा है और फ्लैशबैक में वो चली जाती है। पार्वती याद करने लगती है कि किस तरीके से बुलबुल के साथ उसने वो पल बिताए थे, साथ ही शिवाय के साथ में बुलबुल और पार्वती कितने खुश रहा करते थे। ये सारी बातें पार्वती को अचानक से याद आने लगती है और इन सब के बाद में पार्वती सोचती है कि बुलबुल को उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालना है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है अष्ट धातु से बने खंजर पर जो कि दामिनी के हाथ में है। इस खंजर को देखने के बाद में पार्वती काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि इस खंजर से वो कैसे बच पाए। तभी वो एक जाल बनाती है और उस जाल में वो रंभा को फंसाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। रंभा को फंसाने के लिए वो जो जाल बनाती है और वहाँ पर वो अपना हीरे का झुमका गिरा देती है रंभा को फंसाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे शिवाय की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और पार्वती के नाम पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी शिवाय की बहन इस बात को उन्हें बताती है कि पार्वती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और पार्वती तो शिवाय को सबसे ज़्यादा प्यार किया करती थी। इन सब के बीच में अब 12:15 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं और बुलबुल की जान अब खतरे में आने वाली होती है। तभी रंभा की नज़र उस झुमके पर पड़ती है और रंभा उस झुमके को उठाने के लिए
दामिनी से बात करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है। रंभा जैसे ही झुमके की तरफ देखती है वो वहाँ पर खींची चली जाती है और झुमके को उठाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। जैसे ही वो झुमके को उठाने की कोशिश करती है तो झुमका थोड़ा सा और आगे खिसक जाता है, जिसके चलते रंभा को और आगे बढ़ना पड़ता है। और ऐसे करते करते रंभा लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और जिस जगह पर बुलबुल बंद है वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती है। और यहाँ पर अब एंट्री होती है पार्वती की, जो कि इस झुमके को लगातार खींचती जा रही थी और रंभा को अपने पास बुलाने की ये पूरी साजिश जो उसने रची थी, अब रंभा उसमें फंसती जा रही थी। अल्टीमेटली रंभा के हाथ में वो झुमका लग जाता है, लेकिन फिर रंभा को याद आता है कि ये तो एक झुमका है, अब इसके साथ का दूसरा झुमका कहाँ है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है पार्वती की, जिसके पास में ये दूसरा झुमका होता है। अब पार्वती रंभा से बातचीत करती है और उसको बताती है कि दूसरा झुमका ये उसका है। साथ में रंभा पार्वती को धमकी भी देती है कि अगर उसने रंभा को मारने की कोई भी कोशिश की या रंभा को परेशान करने की कोशिश की तो वो एक आवाज़ दामिनी को देगी और उसके बाद से बुलबुल को वो दामिनी मार देगी। लेकिन पार्वती रंभा को अपने जाल में फंसाती है और इसके साथ साथ ही वो रंभा को एक और लालच देती है। रंभा के सामने वो अपने कंगन भी दे देती है और रंभा को बोलती है कि झुमके के साथ साथ वो इस कंगन को भी ले ले। रंभा देखती है, थोड़ा सा सोचती है और थोड़ी सी वो फिर पार्वती की तारीफ भी करती है। रंभा उस झुमके को लेने की कोशिश करती है, पार्वती के हाथ से इस झुमके को रंभा ले लेती है, लेकिन पार्वती उससे पूछती है कि रंभा उसके बारे में क्या सोचती है। इसके बाद रंभा पार्वती की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और सारी बातें सुनने के बाद में रंभा को लगता है कि वो इससे और गहने ले सकती है। इसके साथ साथ ही पार्वती फिर उसके झुमके का बाद में कंगन का भी लालच दे देती है। जैसे वेल, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में रंभा काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये पार्वती उसको सारे गहने क्यों देती चली जा रही है। लेकिन भाई रंभा ये लालच में फंसने के कारण झुमके के बाद में कंगन भी ले लेती है और कंगन लेने के साथ साथ पार्वती का जो जाल रहता है यहाँ पर सफल होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह से रंभा ने कंगन लिए रहते हैं और कंगन लेने के बाद में रंभा उन सभी कंगन को पहनने की भी कोशिश करती है। जैसे ही रंभा कंगन पहनती है एक जादुई शक्ति नज़र आती है और पार्वती रंभा से बोलती है कि तुमने अब ये कंगन जब तक पहने हुए हैं मैं जैसा जैसा बोलूँगी अब तुम मेरे वश में होकर वो सारी चीज़ें करोगी और बुलबुल को दामिनी के जाल से छुड़ाने में मेरी पूरी तरह से मदद करोगी। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है, पार्वती अपना पूरा प्लान रंभा के सामने बताती है और अब देखना ये होगा कि पार्वती रंभा की मदद से क्या बुलबुल को दामिनी के जाल से छुड़ा पाती है या फिर नहीं। इसके साथ साथ जो दामिनी के पास में अष्टधातु खंजर है, क्या पार्वती उस खंजर से बच पाती है या नहीं। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके जल्दी बताइएगा कि क्या पार्वती बुलबुल को बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि आज का ये एपिसोड होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग। इस एपिसोड की आपको समरी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सबका इंतज़ार कर रही है।